नमस्कार मामा मम्मी ओडिया ब्लॉग चैनल रे आपण मानको अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। काली मु जो गच्छर देखी थी आपण मानको वीडियो देखी थी से गच्छ विषय में आज कहबे आ गच्छर कौन कौन सब बेनिफिट्स में आपण मानको कहबे जे फुलोडा भी कौन ए फुलो कौन काम रे आसे आज मु तुम आपण मानको अपराजिता फुलो विषय कहबे जो अपराजिता फुलो समस्त बाड़ी रे रहूची ए जो अपराजिता फुलो ब्लू कलर अपराजिता फुलोडा तो से गच्छर केमती एटा वास्तुदोष दूर कर ठाकुर पूजा रे लगे और आमर हेल्थ पाई भी बहुत बेनिफिट्स आसी आउ ए फुलर भी क्रीम भी तैयारी करा जाए पारे अरे ये मल्टी माने मल्टी यूज फ्लावर जहाँ कहते ये फ्लावर विषय आपको कह बर्तमान खराटा हो मैंने बाहर बहुत खरा हो सकाल समय तो सब कामधंदा रोचे मुझे भिड बेसी बन पारनी मुझे खरा बेले टे बन पारे आप गच्छ विषय जड़े दे बर्तमान क्वेश्चन करते इंसुलिन गच्छ विषय इंसुलिन गच्छटा पत्र केमती कौन खावाक पड़े इंसुलिन पत्र एक्चुअली ब्लड सुगर को कंट्रोल करे किंतु जहाँ बहुत सुगर लेवल बेसी हो जाए से तो निहाती मेडिसिन यूज करते मेडिसिन यूज करते भी या खाइले कौन से साइड इफेक्ट ना जेहेतु मु मेडिसिन खाऊनी तो मुझे खाऊ जो मैंने मेडिसिन खाऊंट ताकू खाइले एतटा मानने तार प्रभाव पड़े नहीं कि जोपर्यंत आप मेडिसिन खाई खाइबे देखो कत सुंदर सुंदर फूल है मोर सका भी मुझे बहुत तोली नहीं थी फूल गुड़िक देखु बाड़ी में भी आउ कौन कौन सब फूल अच्छी आपण मन को भी देखे कैसे सुंदर फुटी से फूल खरा हो घर को जाए आपण मन को सब घर मानने बाहर बहुत खरा हो घर जाए आपण बस कह अपराजिता फुलर कौन कम केत प्रकार तार व्यवहार हो पार तार वास्तु अनुसार तार भी व्यवहार हो पार आ प्लस आम हेल्थ पे भी यूज करहब ठाकुर पूजा में यूज करहब बर्तन खरा एत जोर है घर को पल आस घर बस कि आपण मैं धीरे से सब विषय भलसे आपण मानक सेयार कर बाड़ी में आपण मानक अपराजिता फुल देखली जेटा हूँ ब्लू कलर अपराजिता फुल आमर ब्लू कलर अच्छी किंतु व्हाइट कलर ना जो मैंने घर सब प्रकार अपराजिता फुल लगे बहुत भल से ठाकुर को धला अपराजिता और नील अपराजिता दि जाए यहाँ समस्ते भी जानते हैं कौ कौ ठाकुर को दि जाए मोर गोटे स्पेशल भिडियो मुझे आगुरी कही कौ ठाकुर को कौ प्रकार अपराजिता फुल दि जाए कि आज अपराजिता फुलर मानने केमी अलग प्रकार आपने यूज करें तार वीडियो आपण मानक सेयार करी प्रथम आम कौन करवा खाद्य आकार में व्यवहार करवा सरी पानी आकार में व्यवहार करवा आम चा भले पी पार चा से फूल को आम रखी जमी आम चा पीऊँ ब्लू टी भली करा मानने ब्लू टी भाया कराए करके पीले डायबिटीज बहुत कंट्रोल हो जाए आम जो हार्ट सम्बन्धी रोग से भल हुए आउ गोटे कथा हूँ जे अपराजिता फुल केते प्रकार रोग रु भी आमको मुक्ति दिए चलो तो जानवा कौन कौन से सब रोग अपराजिता फुल केते प्रकार उपकार रे आसे आपण माने जमा जाणी एटा खाली आम ठाकुर को व्यवहार कर बहुत प्रकार बेनिफिट्स अच्छे चलो तो जानवा कौन कौन सब बेनिफिट्स आउ अच्छे तर जो चा विषय में आपण मानक कहली से डायबिटीज भी कंट्रोल कै आपर जो जॉइंट पेन हो जॉइंट पेन भी हेनी माइग्रेन भी एत माइग्रेन भी बहुत काम आसे आउ विभिन्न प्रकार थंडा जनित समस्या ये बहुत मुक्ति कराए आउ गोटे काम है जदि अपराजिता फुल को खरारे सुखे गुंड कर रखती से बहुत दिन पर्यंत रही गुंड को भी आप चाहपति भाव में व्यवहार करेंगे आउ गोटे कथा है तार जब चेर आपने संग्रह कर तार चेरटा को आणिकी काटिकी सुखे आपड़ी कान में बांधिदेवे तेल थंडा सम्बन्धी गला सम्बन्धी रोग आपंकर भल हम अपराजिता फुल को जब आप चाहा करके पी पार्टी से आपण मन को भी बहुत शांत करे जो माइंड डिस्टर्बेंस हुए माइंड सब मनटा दुख हुए मनटा अवसाद रहे आपण मैंने से प्रकार चा करके पीले भी आपण अवसाद रु दूर हम आपको नीत भी भल हम आउ गोटे कथा है आपण पेट जनित समस्या आपणकर गैस्ट्रिक रोचे हजम भलसे होनी आप सका और सन्ध्या दुई थर आप पीतु आपणकर बहुत काम आसो चलो देखिए मुझे केमती से चाटा
ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲଟା ଗଛରୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଲକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି। ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଲରେ କେମିତି କରିବା, ଆମର ତ ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଲ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଶ୍ ଫୁଲ ନାହିଁ ତାକୁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇକି ତା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିକି ରଖିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତିକି ଫୁଲ ନେଲି, ତିନି ତିନି ଛଅ ସାତଟା ଫୁଲ ନେଇଛି, ସାତଟା ଫୁଲରେ ଦୁଇ କପ୍ ଚା ଆରାମରେ। ମୁଁ ଆଉ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ନେଇଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କେଇରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବନେଇଦେବି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଫୁଲକୁ ନେଇଯାଏ, ଆଉ ଫୁଲ ତ ସବୁ ସକାଳୁ ତୋଳା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଫୁଲ ଅଛି ଏଠି। ଏତିକି ଫୁଲକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି କରିବି, କାହିଁକି ନା ଖରା ହେଇଗଲାନି, କଲର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନହେଲେ କଲର୍ଟା ବହୁତ ଡିପ୍ ଥାଏ, ଖରାରେ ତା ରଙ୍ଗଟା ବି ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ଯାଏ ତାକୁ ନେଇକି କେମିତି କରିବି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ପାଣି ଦେଉଛି, ଏତିକି ପାଣି ଦେଲି, ତାପରେ ଡାଲଚିନି ଖଣ୍ଡେ, ଅଦା ଟିକେ, ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ପକାଇବା, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲକୁ ମୁଁ ରଖିଛି 10ଟା ଫୁଲ ରଖିଛି, ଏ ଫୁଲ ତାକୁ ପକାଇଦେବା, ସେ ଫୁଟିଯିବ। ପାଣି ଦେବା, ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ମହୁ ମିଶାଇବା, ମହୁ ମିଶାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା ପିଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ମହୁ ଆଗେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା, ମୋ ହାତରେ ତ କାରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଛାଣିଲି, କାଳେ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଫାଟିଯିବ, ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଗେ କପ୍ରେ ଛାଣିଲି, ତାପରେ ସେଠି ଛାଣିଲି। ମୁଁ ତିନି କପ୍ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ସେ ମରିକି ଦୁଇ କପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦୁଇ କପ୍କୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ ପିଇଦେବୁ। ଆମର ବ୍ଲୁ ଚା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ପିଇଲେ ବି ଦେହ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପେଟ ରୋଗ ସବୁ କମେଇବ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କମେଇବ, ଡାଇବେଟିସ୍ ବି କମେଇବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମହୁ ପକାଉଛି, ମହୁ ବଦଳରେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ବି ମାନେ ତାଥିରେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ଖାଇପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଚିନି ଖାଉନଥିବେ ବା ମହୁ ଖାଉନଥିବେ ଖାଇପାରିବେ, ଗୁଡ଼ ଟିକେ ପକାଇ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଦରଜ ବି ହେବ, କମିଯିବ। ଯେଉଁ କାନର ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଥିବ, ତାକୁ ବି ଖାଇଲେ କାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ବି କମିଯିବ। ଆଉ ରେଗୁଲାର ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଟାଇମ୍ ଯଦି କରିକି ପିଇପାରିବେ ଆହୁରି ଭଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫୁଲକୁ ମୁଁ ରଖିଛି, ଆକୁ ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି, ଯେମିତି ଚାହା ପତି ଗୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ବି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସତରେ ଯେ ବାପା ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ, ଆମର ପଣ୍ଡାକରି ଯିବାର ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ର ରହିଲା, ଏଗୁଡା ସବୁ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପତ୍ରରେ ମୁଁ 40 ଦିନ ପିଇଲି, ଭଲ ହେଲି, ମୁଁ କଣ ଆଲୋପାତିରେ ଭଲ ହେଇଥିଲି ଚାଲିଛି, ମାନେ ସରିଗଲାଣି, ଯାହା କାଟ କରିଗଲାଣି। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଳ ଭତ୍ତା କରୁଛି, ଏଥିରେ କବଳିଟା ଛଣା ହେଉଛି,
ଡାଲି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ଜହ୍ନି ଗୁଡ଼ା ସିଝା ହେଇଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଜହ୍ନି ସିଝା ଏଠି କରୁଛି। ଚିକେନ୍ ହେଇଛି, ଚିକେନ୍ ହେଇଛି, ଛୁଇଁ ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ମସରୁମ୍ ବି ହେଇଛି। ଏଠି ମସରୁମ୍ଟାକୁ ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ମସରୁମ୍ ହେଇଛି, ମସରୁମ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଛୁଥିଲୁ ମସରୁମ୍ ସେଇ ମସରୁମ୍। ଏଥିରେ ଟମାଟୋ ଫେରସମ ପତ୍ର ପକାଇକି ମୁଁ ଟିକେ ଆଳୁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଯେତେ ଯାହା ହେଇଥାଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟା ସବୁରେ ନିହାତି ଘରେ ଆମର ହୁଏ, ସିଏ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ରୋଷେଇ ହୁଏ, ଯାହା ତାଙ୍କର ସବୁ କରିଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କରିବା ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏମିତି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବି ସାମ୍ନାରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।